आज हम स्नैक्स में कुकड़ी बनाने वाले हैं, इसीलिए इलाइट का मैदा लिया है ऑल पर्पज फ्लोर। तो इसमें 1 kg है, 1 kg के लिए शक्कर डालना है। अभी शक्कर डालिए, ये शक्कर का पाउडर जो बताया कि देख के डालना पड़ेगा, देख के डालिए, नहीं तो चिट्टी रहेगी। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, शक्कर उतना काफ़ी है, बस डालिए। उसके बाद पानी के बाद उसमें कुछ मिक्स नहीं करना है क्या? मिक्स करते हैं थोड़ा अंदर चमगे। क्या मिक्स करते हैं? जीरा कुकड़ी के लिए। हाँ जीरा लेके आओ। ऐसे बर्तन यूज़ करने से उसको मिक्स करने के लिए ठीक होता है ना, अच्छा होता है। जीरा कितना? थोड़ा ही। तो इसमें क्या क्या है? अभी मैदा है, शक्कर है, शक्कर का पाउडर यूज़ किया, नमक डाला है और पानी, उसके बाद जीरा। अब इसका मिक्सचर रेडी करने के बाद दिखा देंगे। अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसका आटा रेडी करना है ना, पानी कम पड़ा, पानी देख के डालना पड़ेगा ना, देख के डालना पड़ेगा, देख के पानी डालो, उसके बाद आटा रेडी करो। मैं बाद में आऊँगी। यहाँ मिक्सचर रेडी हो रहा है, थोड़ा नारियल तेल भी डाल रहे हैं ताकि हाथ में बहुत स्टिकी हो रहा था इसीलिए। यह ऑप्शनल है ना, वो तेल घी वगैरह आप ऐड करते हैं तो ऑप्शनल रहेगा वो। मैदे का आटा अभी तैयार है, इसको आधे घंटे तक ढक के रखना पड़ेगा, उसके बाद हम स्नैक्स बना देंगे इसका। अभी हम शुरू करेंगे टुकड़ी बनाने का प्रोसीजर। यहाँ एक छोटा सा रोटी लेके आई हूँ मैं, एक सिर्फ दिखाती हूँ मैं, हवा तेजी से चल रही है इसलिए सब कुछ बिगड़ने की संभावना है। तो यहाँ मैं एक व्हील चम्मच ले रही हूँ, इसमें हम अभी कुकड़ी को शेप देंगे। अभी एक डिजाइन तैयार है, अब इसको फ्राई करने के बाद अच्छे से क्रिस्पी तरह से तो तैयार होगा खाने के लिए। प्रोसीजर्स, अब हमारा छटपटा सा टुकड़ी तेल गरम हुआ है, अभी डाल सकते हैं। एक 90% तक तैयार हुआ है, उसको निकालने की बारी है अभी।